तालियां हो जाए प्लीज। कैश क्या बात है, मैं हमेशा इसकी करता रहता हूँ, पहली बार ताली बजवाई मैंने इसके लिए। या सूरी जी, कृष्ण जी, कृष्ण मिटकर, तो ऐसा है कि म्यूजिक फैक्ट्री ने बहुत खर्चा किया है इनकी फिल्म पे, लेकिन म्यूजिक फैक्ट्री मैं चाहूंगा मेरे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुदेश जी आइए। सबसे पहले तो सबसे पहले म्यूजिक फैक्ट्री के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। म्यूजिक फैक्ट्री अभी लॉन्च हुई है, स्पेशल थैंक्स टू मिका पाजी, थैंक यू सो मच मिका पाजी। इनका हर सिटी में घर है, लेकिन ये फिलहाल दिल्ली में थे, लेकिन उसके बावजूद आ गए हैं इस फंक्शन के लिए। थैंक यू सो मच मिका पाजी, वरना थैंक यू वेरी मच स्पेशली फॉर कश्मीर। हाँ जी, एक मिनट कुछ कह रहे हैं चले जाते हैं भारतीय ये तो तय हो गया आज, ये कृष्णा और कपिल देव को अकल आ गई होगी कि बिका चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई भी पासा पढ़ सकता है। तो अभी फिर मैं मौका आएगा लाइफ में तो फिर दिखा दूंगा। तो मेरी तरफ से दोनों मेरे भाई हैं कपिल और कृष्णा, दे आर लाइक माय यंगर ब्रदर्स, दे आर लाइक माय पेरेंट्स एंड दे ऑल विल बी माय किड। और यहां पे देखो, ए फॉर कृष्णा, ए फॉर कश्मीरा, ए फॉर कुमार राइटर जो है उसको भी मैंने चांस दिया, बहुत बड़ा राइटर बन गया है वो। वेल सी कुमार सुदेश जी, मैं चाहूंगा आप कुछ बोलो। सेंटर में आइए ना सर, मैं क्या बोल सकता हूँ, आज मिक्का जी आए हैं, इनकी नजर तो स्टेज पे कर करके हमारा नाम बनाए। आज असली मिक्का जी हैं, जोरदार तालियां। और कैश्मीरा को मैं अपने दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टर बन गई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी तरह एक्टर भी नहीं बन पाया, नहीं ठीक है नहीं, आप ये जो काम कर रहा है कृष्णा, हमें गर्व है कि कई लोग यहाँ हमारे कॉमेडी कोऑर्डिनेट बचाओ में हम लोग बोलते हैं कि कश्मीरा ने फसाया इसको, कृष्णा को फसाया, ऐसा फसाया, ये सच्ची है वैसे तो नहीं, पर सच्ची बात ये है कि कृष्णा ने फसाया है कश्मीरा को। अच्छा हाँ, जब ये कुछ भी नहीं था वो स्टार थी, आज ये स्टार है तो वो डायरेक्टर है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कश्मीरा इतनी बढ़िया शॉर्ट फिल्म बनाएगी। शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब, बढ़िया काम किया है, इतने काम का एक्सपीरियंस भी रहा है कश्मीरा को इतने सालों से, तो मुझे पता था कि बढ़िया फिल्म बनाएगी। तो इनकी फिल्म पूरी दुनिया देखेगी जितनी फिल्में हैं, और इनकी फैमिली भी आगे हिट हो, सुपर हिट हो, जोरदार तालियां हो जाए कश्मीरा के लिए। आज कोई मजाक नहीं करना, और जितनी बातें मैंने की हैं ये मुझे कृष्णा ने बोला था कि ऐसे ही अच्छा अच्छा बोलना है। लेकिन सर सच बात यह है कि हम सब कृष्णा के बहुत बड़े फैन हैं, एंड भारती कृष्णा सुदेश जी आप लोग बहुत बड़े फैन हैं, तो आई थिंक ये बात जोरदार तालियां सभी के लिए, बिकॉज 15 साल से मैं हंसता रहा हूँ आप लोगों की वजह से। रही बात कश्मीरा की, जब जब हिट की बात आती है या सुंदरता की बात आती है या टैलेंट की बात आती है तो ये तीनों टैलेंटेड है, लेकिन जब सुंदरता की बात आती है, खूबसूरती की बात आती है तो यही जो हमारी कश्मीरा, जिनको हम बहुत सारा से जानते हैं। तो कश्मीरा विश यू ऑल द बेस्ट, और हम सभी देखेंगे आपकी मूवी, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी लॉन्च करेंगे और सूर साहब जो जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्चा है।
जो भी देखोगे अच्छा ही बोला आपको, नहीं तो वहां पे हमने 6 सेकंड गांव बुलाया था। मैं अभी कहूंगा कि कश्मीरा बहुत खूबसूरत है, कश्मीरा दूसरे साथ ही। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा भिक्का पाजी सच बोले, क्योंकि ये आपकी एक आइडेंटिटी में जो सच बोलता है वो इसलिए बहुत जोरदार तालियां। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इतना सच बोलूंगा कि मैं कश्मीर का फैन हूँ और मैं कृष्णा को पीछे से मिलता हूँ, चलो इसके चक्कर में कृष्णा को मिलता हूँ। तो मैं हमेशा आपको देखता रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि आप दोनों से किस कौन कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे ये बोलता कि तुम कदम भी करते हो तो चर्चा करो, मतलब हम कदम भी करते हैं तो चर्चा करो, तुम किस भी करते हो तो बोले हम किस भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कदम करते हो तो चर्चा करो। जैसे तुमने इतनी किसी गली कोई फैला हो वैसे तो किसी तरह के हाथ भी किस करो और देखो ये कैसे फोटो खींच रहे हैं। जो भी ये किसी सीन थे वो जो डुप्लीकेट एक्टर था वो यही था, लेकिन दूर से हमने दिखा के थोड़ा सा चीट कर दिया है। आपको क्या लगता है आप डायरेक्टर बन गए हो क्या हो? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यहाँ स्पेशली इस इंडस्ट्री में किसी को कुछ नहीं आता, अगर आता है तो तुम्हारा वक्त आता है। म्यूजिक फैक्ट्री सुनील एंड एवरीबॉडी फॉर गिविंग मी दिस बिग लॉन्च, और आप कुछ और प्रॉमिस कर रहे थे मुझे। सच बोल रहा हूँ, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है 3 दिन पहले। हम लोग फरवरी में फीचर फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, द एंटायर मूवी विल बी शॉट इन मॉरिशस, और इतना मैं रिवील करूंगा कि 5 हीरो और 5 हीरोइन है वो फिल्म में, और 2 पेट्रोल पंप ओनर भी है। ये 2 पेट्रोल पंप ओनर है मिक्का पाजी के, देखो मैं बात कह रहा था दिल्ली का ही कोई आदमी भला करेगा, तो ये दोनों पेट्रोल पंप ओनर मेरे दिल्ली के हैं। तो क्योंकि म्यूजिक फैक्ट्री में पेट्रोल तो लगेगा ना, तो ये हमारे पेट्रोल पंप ओनर दिल्ली में जो पिक्चर के बाद ट्राई होगा, पिक्चर के पहले नहीं। तो वी आर अनाउंसिंग अ फीचर फिल्म विद कश्मीरा, पिक्चर का नाम हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन आई गारंटी कि इससे बड़ी थ्रिलर पिक्चर होने वाली नहीं है 2017 में। हमारी पुरानी फ्रेंड है और कृष्णा की भी है, रवि जी से तुमने मुरली और नायडू भी मुरली यहाँ पे तमिलनाडु, मुरली शर्मा जी वो ठीक है। म्यूजिक फैक्ट्री ऐसा है, म्यूजिक फैक्ट्री ने एक और जो फेदर लगाया है सैम बॉम्बे प्रीमियर, और एक लेडी जो सारा काम छोड़कर नवरात्रि से थकी हारी सिर्फ दोस्ती के लिए आई है हमारी मकरन सर कहां पर है? मकरन सर मसूरी मसूरी मैं भी बुला लेता हूँ। ऑफर दी थी कि तुम आओ मेरे पिक्चर में काम करो, मैंने कहा पहले कहानी सुनो। कश्मीरा ने करीबन 15 मिनट में 4 कहानियाँ सुना दी थी मुझे, और मुझसे पूछा कि तुम किस में काम करना चाहते हो,
मैंने कहा मैं सब में काम करना चाहता हूँ. शी हैज़ अ वेरी फर्टाइल माइंड, शी हैज़ अ फैबुलस माइंड. इट आई मीन हर स्टोरी सेंस इज सुपर्ब. एंड जब आप ये पिक्चर देखेंगे आप मेरी इन बातों को याद करेंगे कि अयूब ने सही कहा था. कैश हैज़ अ फैबुलस क्वर्की माइंड दैट थिंक्स ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग्स. कैश के साथ मैंने एक छोटी पिक्चर की है, उस पिक्चर का नाम है कास्टिंग आउट. इस पिक्चर के बाद इंशाल्लाह वो पिक्चर रिलीज़ होगी. वो भी एक शॉर्ट पिक्चर है. इट्स बीन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय कश्मीरा एंड इन पार्टनरशिप विद अ कपल ऑफ अदर पीपल्स. एंड आई विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू. भैया हमारी शॉर्ट फिल्म बहुत ही अलग है कश्मीरा से. कश्मीरा क्या सस्पेंस थ्रिलर हॉरर है और हमारा बहुत ही सीरियस एंड एजुकेशनल टॉपिक पे शॉर्ट फिल्म है. एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. कश्मीरा फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही है एंड रियली रियली आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू कश्मीरा. यार मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर और उसके स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे थे और जो एनिमेशन उन्होंने किया था वो भी बहुत अच्छा है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. इट्स अ बिग थिंग एन एक्टर बिकमिंग अ डायरेक्टर. इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो आई विश कश्मीर ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप इट वर्क्स आउट ब्रिलियंट फॉर हर. कश्मीर मुझे बुलाएगी मैं कर लूँगा. थैंक यू. कश्मीरा सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से हम लोग दोस्त हैं. और आज एक कहते हैं ना कि दोस्ती में जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मुझे कुछ देखने के लिए मिलेगा. इट वाज अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर. और मैं यही कह सकती हूँ कि जो कश्मीरा हमेशा से बोलती थी कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ और उस पर काम करती रहती थी तो मुझे लगता था इतनी शायद सीरियस नहीं होगी, लेकिन आज का ट्रेलर देख के आई एम सो वेरी इम्प्रेस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. मुझे इतनी खुशी है कैश का ट्रेलर देख के कि मैं चाहती हूँ कि आप आगे, जैसे हमने अभी सुना कि फीचर फिल्म भी लॉन्च कर रही है और डायरेक्ट करेगी, आई एम श्योर शी इज़ गोना रॉक इट और बहुत बहुत अच्छा काम करने देखने के लिए मिलेगा हमें. एंड इतनी ब्रिलियंट है, इतनी टैलेंटेड है, मुझे नहीं पता था वाकई. एंड सो प्राउड ऑफ हर. बिग बॉस के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है और मैं तो दो दो बार गई हूँ, एज अ कंटेस्टेंट गई हूँ, फिर एज अ चैलेंजर गई हूँ लास्ट ईयर. बिग बॉस के लिए हमेशा वो एक्साइटमेंट रहती है और मुझे लगता है ना मुझे बिग बॉस से ज़्यादा सलमान खान की एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे. सो बिग बॉस यस 16th इट इज़ एंड वी ऑल आर वेटिंग. थैंक यू. मैं बहुत उनके लिए मेरी सारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं और उन्होंने एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने जंगल की, यस बॉस की, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की एंड आई होप वो वैसी ही फिल्में बनाएं भी. और ये जो उनका पहला ट्रेलर था मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. अभी मेरा एक प्रोजेक्ट अभी आने रिलीज़ होने वाली है मेरी फिल्म, तो जब डेट बाहर आ जाएगी तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली अनाउंस कर दूंगी. और मैं भी चाहती हूँ अपने दर्शकों से मिलना, उसी के लिए मेहनत चलती रहती है हम सबकी कि हम कैसे अपने बेस्ट फॉर्म में हमारे दर्शकों के सामने आए, उन्हें एंगेज कर पाएँ, तो उसी की. थैंक यू. बस बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आए, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको पता है कि मैं फीचर फिल्म बना रही हूँ तो नहीं बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आए, इतने सारे बेस्ट विशेस मिले हमको एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. क्योंकि दूसरी बात, मेरे दोनों एक्टर्स काफ़ी नए हैं एंड अभी अभी इनकी शुरुआत हुई है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि इनको जितना सपोर्ट मिलेगा वो भी गुड. तो
कौन सा सवाल पूछा आपने? इसका क्या मतलब है? ये जब फिल्म रिलीज होगी तब डिस्कस करेंगे ना, ये आप डिस्कस करके क्या, आज रात को एक घंटे के बाद क्या होने वाला आपको पता है क्या? तो मैं क्या फ्यूचर की क्या बात करूँ? तो एक्टिंग तो की ना मैंने, तो कौन बोलता है अच्छी एक्टर अच्छी डायरेक्टर नहीं बन सकती? इतने सब सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ और इतने सारे सीनियर एक्टर्स हमारा काम देखने आए हैं, सो आई रियली फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज की मैं कैश गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी. शी सॉ मी, आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम और मेरा ऑडिशन हुआ एंड शी सिलेक्टेड मी. तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हर बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर बट अ वेरी कूल डायरेक्टर एज वेल, प्लस शी इज अ एक्टर, सो वो कम्फर्ट लेवल एज एन एक्टर भी बहुत अच्छा था उनके साथ. सो आई रियली फील बेस्ट बाजू में खड़ी हूँ, अच्छी बातें बोल रही. नहीं, मैं जो बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा, सच की ओर से कुछ नहीं बोलूंगा. मेरा नाम गीता है तो मेरे पे हाथ नहीं रख सकते. एक्सपीरियंस ओवरऑल, यानी इनिशियली मेरे को थोड़ा सा था कि शी सो सीनियर शी बी स्ट्रिक्ट, बट आफ्टर टू डेज बहुत अच्छा कम्फर्ट जोन हो गया था बिकॉज आपने ट्रेलर में देखा होगा काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स भी हैं, तो केमिस्ट्री आनी ज़रूरी थी जो एकदम से हम जैसे शूट करना शुरू किया टिल द टाइम शी वॉज डायरेक्टर एंड द टाइम शी मोल्डेड टू एन एक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. तो एक्टर और डायरेक्टर में एज कश्मीर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, तो मेरे को बहुत मज़ा आया वो दोनों साइड देखने में और मज़ा काम करने में. यार यही एक रीज़न है मैंने इस मूवी को हाँ बोला था, बिकॉज द स्क्रिप्ट इज फैबुलस. अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ फिल्म जो इंडिया में यूजुअली आप नहीं देखते. अ लॉट ऑफ कोरियन पीपल मे डू इट बट नो नॉट नो बडी इन इंडिया कैन डू इट, सो हर राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी इंटरनेशनल. तो मैंने स्टोरी एक बार सुनी है ना, यू सेड अ यस बिकॉज द कैरेक्टर उसका ग्राफ सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट थी फ्रॉम द यूजुअल थिंग वी सी, दैट्स व्हाई इट्स अ डिफरेंट जोन. आई वुड लव ऑल ऑफ यू गाइज टू वॉच इट. इट्स रिलीजिंग ऑन On the same. So you have to watch it. आप ट्रेलर 100 बार देख लो, आप गेस नहीं कर सकते मूवी. देर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स. मेरे पर्सनली मेरे फ्रेंड्स ने लाइक 10 टाइम्स दे हैव सीन द ट्रेलर एंड दे आर लाइक यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है. सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? न्यू कमर एक्टर हूँ, एक स्टार के साथ काम करके कैसा फील होगा आप समझ ही सकते हैं. She is working since 18 years. So, मेरे लिए honored है कि मैंने इनके साथ काम किया. बोलता तो थोड़ी young लगती मैं. बहुत अच्छा feel कर रहा हूँ मैं. क्या excitement है मतलब किस तरीके का आप expectation? मैं words में explain नहीं कर सकता आपका excitement. उतना है. वेल, जैसे कश्मीरा ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि सबका वक्त आता है, यू नो, एंड आई बिलीव के कश्मीरा बहुत सालों से इंडस्ट्री में रह चुकी है, मेरी बहुत ख़ास दोस्त है, और अभी वो डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही है अपना. आई थिंक टैलेंट कभी रुकता नहीं है, यू नो. आई बिलीव कि अगर आप मौका दें, अपने आप से पूछें कि आप क्या कर सकते हो, तो आई थिंक यू शुड वेंचर इन ऑल ऑफ दीज प्रॉस्पेक्ट्स. एंड आज जैसे आपने देखा कि ट्रेलर लॉन्च हुआ है, वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. वेरी इंट्रीगिंग ट्रेलर ऑफकोर्स, बिकॉज कश्मीरा में बहुत सेक्स अपील ऑफकोर्स डे वन से रह चुका है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी रह चुका हूँ, आज भी हूँ. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेलर एंड आई थिंक कि जब भी ये ट्रेलर ऑनलाइन जाएगा, इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि यूट्यूब पे लाइव इसी वक्त जा रहा है, तो आई थिंक पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग द ट्रेलर. तो आई थिंक ये लोग जब ये ट्रेलर देखेंगे दे विल बी वेरी इंट्रीग कि आगे क्या होता है. तो इवन आई एम इंट्रीग, मैं जानना चाहूँगा कि फिल्म में कहानी में आगे कैसे बढ़ती है. वेल, ऑफकोर्स हॉरर एलिमेंट जो है, हॉरर इटसेल्फ में एक हीरो है, बिकॉज व्हेन यू मेक अ हॉरर फिल्म तब जो आपकी कास्ट होती है वो सब दे बिकम सेकेंडरी, बिकॉज द स्टोरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड हॉरर का जब एलिमेंट होता है, पीपल लाइक टू गेट स्केयर्ड, पीपल चाहते हैं कि वो डरे और एक्साइट हो जाए. तो डेफिनेटली आई थिंक विद दिस फिल्म आई थिंक द ऑडियंस विल एक्सपेक्ट दैट. थैंक यू. हाँ, वो दबा के रखना पड़ता है.
ऐसे नहीं, वैसे लाओ जी हाँ, आज उनका मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और मुझे उनका जो ट्रेलर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट्स लाइक काफ़ी अलग लग रहा था मुझे कि इनकी मूवी कुछ अच्छी बहुत ही अलग होने वाली है. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि ये कब रिलीज़ होगी और कब मैं देखूँगी. मैं शी इज़ वेरी टैलेंटेड बाय द वे. मैं उनको बहुत पहले से देखते आ रही हूँ. शी इज़ वेरी मच टैलेंटेड और आई जस्ट वॉन्ट टू से ऑल द बेस्ट टू हर फॉर हर मूवी. दिस इज़ हर फर्स्ट मूवी सो आई वुड जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट. फिर आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है कम बैक टू मी, जो कि मूवी है जिसमें हमारी फेवरेट, हमारी प्यारी, हमारी बेस्ट फ्रेंड, स्वीट हार्ट कश्मीरा शाह है, जिन्होंने डायरेक्ट करी है, एक्टिंग भी करी है. एंड आज उसका म्यूजिक लॉन्च है. और गुरी जो कि बहुत अच्छा, वेरी टैलेंटेड गुरिंद उसका नाम है, बहुत अच्छा उसने म्यूजिक करा है. एंड म्यूजिक फैक्ट्री भी आज लॉन्च हुई है. तो एक साथ बहुत सारे धमाके आज हुए हैं. एंड दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, आई गेस ये फिल्म भी ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद ही आ रही है. सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं टू माय स्वीट हार्ट कश्मीरा. एंड आज बहुत मस्ती हुई है ऑन स्टेज. कश्मीरा, कृष्णा, सुदेश, काफ़ी टाइम बाद हम एक दूसरे को मिले हैं. सो आई एम श्योर के लोगों को ये आने वाला इनका जो टैलेंट है सामने नजर आए. देखो इसमें अच्छी बात है कि कश्मीरा है, एंड कश्मीरा शी इज़ वेरी हॉट, सबको पता है. बहुत सारे लोग हॉट सीन करते हैं या खुशी करते हैं, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव लोग होते हैं जिनमें से कश्मीरा है. आई एम श्योर के लोग फिल्म जरूर देखेंगे. एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस एंड गॉड एंड आई एम श्योर के स्टोरी बिच लाइक. हाँ बिल्कुल, देखो इतने सालों से कश्मीरा इस इंडस्ट्री में है. एंड आई एम श्योर के जो बहुत अच्छा डांस करती है, जो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, सो आज उनकी ये पहली डायरेक्शन में ये फिल्म आ रही है कम बैक टू मी. अच्छा कम बैक, थैंक यू. छोरी कर दी जंप, छोरे ने दे दिया बंप, रे फूलन दे भी फूल की देखो हवा में उड़ते हंप. सबसे पहले मैं इनको थैंक्स कहना चाहूँगा, साजिद भाई और फराद भाई, और फराद भाई की वाइफ हैं, तीनों यहाँ पर आए. इनके साथ मैंने काम किया है, मेरी लाइफ में मैंने 3 ही फिल्में किए हैं और एंटरटेनमेंट. और जैसे कास्टिंग की बात हुई तो कास्टिंग में क्या था कि अक्षय कुमार और कुत्ता था, तो तीसरा कुत्ता कहाँ से मिलता वो हमारे कृष्णा जी. वही एक रिस्क नहीं था, बाकी सब रिस्क था. सही बात. अच्छा मैं आपको बता दूं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है और नहीं भी पता है कि एंटरटेनमेंट में जो एंड में मेरी शादी हो जाती है, तो वो शादी में फिल्म में कश्मीरा भी थी हमारे साथ. कश्मीरा से ही शादी होती है. मैंने इनको दूसरी हीरोइन से करवा, इन्होंने बोला नहीं कश्मीरा. वो एक ही ऑफिशियल प्रूफ है कश्मीरा के पास. कश्मीरा के पास एंटरटेनमेंट में एंड में इसकी मेरी शादी हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे मौके पे सिर्फ खुशी बांटी जाती है एंड वी आर फैमिली मोर देन एनीथिंग एल्स. तो मी एंड फराज बोलते से ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग. अलग बात है कि वो भी डायरेक्टर बन गई और हम लोग भी डायरेक्टर्स हैं. हां, वो एक ही फील्ड में आ गई है जो बहुत डेंजरस है, बट नेवरदेलेस ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड. कंपटीशन जैसे ही फीचर फिल्म बनाएंगे हम शॉर्ट फिल्म बना देंगे, देखेंगे अभी कहां जाएगी. क्या कमी नहीं नजर आ रही? बहुत कम नजर आते हैं. अरे में इसीलिए वो कम नजर आते हैं. सबसे बड़ी बात कोई बुलाता भी नहीं. मैं तो कृष्णा को बड़प्पन ने होकर श्री जाके बुला लिया. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.